2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए। कुछ एक शब्द उछाले गए थे, मोदी लहर, मोदी मैजिक, मोदी करिश्मा, ये शब्द उछाले गए 2014 के अंदर। 2019 आते आते कह दिया गया कि मोदी का ऐसा करिश्मा है, ऐसी लहर है कि मोदी के नाम पर सब जीत रहे हैं और मोदी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है, मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, मोदी का नाम, वो काफी है और वो कैंडिडेट जो भी हो लेकिन मोदी के नाम पर लोकसभा के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन आज 2024 का चुनाव देखिए, बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसको जरा टटोलिए। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई 195 उम्मीदवारों की, उस लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन अब जो पांचवी सूची आई है इसमें एक्सपेरिमेंट इस कदर है जो पूरी तरह से बीजेपी की तस्वीर को आज साफ कर रहे हैं और यह बताने का काम कर रहा है कि क्या वाकई अब मोदी लहर खत्म हो गई है और मोदी को भी अब कुछ ऐसे चेहरे चाहिए जो क्राउड पुलर हो, जो भीड़ खींचने वाले हो। कल की जो लिस्ट आई, पांचवी सूची आती है, उसमें कुछ एक नाम आपको याद होगा, 90 के दशक में एक सीरियल आता था रामायण, और रामायण सीरियल में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल को टिकट देना पड़ा। अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है, कंगना रनौत वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। मतलब कि ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो भीड़ में लोगों को एक उत्साह पैदा कर सके, और ऐसे लोग जो मुद्दे उठा रहे थे उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ये अब सीधे तौर पर माना जाए, बीजेपी की अगर लिस्ट को हम देखें या बीजेपी जिस तरीके से, जिस पैरामीटर से उम्मीदवारों का चयन कर रही है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब मोदी मैजिक, मोदी लहर वो नहीं, बल्कि मोदी को भी कुछ ऐसे चेहरों की आवश्यकता पड़ गई है जो थोड़ा लोगों को अपनी तरफ खींचे, रैलियों में लोग आए। जाहिर सी बात है, इन दोनों लोगों को केवल मेरठ और हिमाचल प्रदेश मंडी के लिए ही वहां तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी इनको रखेगी, और बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर इनका नाम रहेगा तो यकीन मान करके चलिए आप कि दूसरे जगह पर, दूसरे इलाकों में या उन सीटों के ऊपर जहां पर ध्रुवीकरण किया जाना है, उन सीटों पर इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उन सीटों पर इनकी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी। तो क्यों ना ये कहा जाए कि आज मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी को भी सहारे की जरूरत है। अगर आप पूरी कहानी को समझेंगे, पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो सबूत साफ तौर पर निकल करके आते हैं जो बताते हैं कि साहब बीजेपी की ताकत वाकई सही नहीं है। और एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी को भी टिकट दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस किसी को लाया जाएगा वही चुनाव जीत जाएगा। लेकिन आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की स्थिति यह है कि उनको कांग्रेस से आने वाले उम्मीदवारों से भी अब गुरेज नहीं है। चंद मिनटों पहले जिनको कांग्रेस पार्टी, जो पहले चंद मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, इस्तीफा देकर के उनको कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर लाया जा रहा है चंद मिनटों के हिसाब से। तो यह क्या बताता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मोदी लहर खत्म हो रही है तो क्या भाजपा के अंदर कोई बड़ी बगावत की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? क्या भाजपा के अंदर खाने एक बड़ी बगावत के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको बीजेपी दशकों तक कोसती रही, दशकों तक उनको गालियां देती रही, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जिनको कोसते रहे और आज उन्हीं को गले लगाने का काम कर रहे हैं। ये साफ तौर पर संकेत है कि बीजेपी इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, और बीजेपी के सामने मुसीबत केवल इतनी नहीं है
कि बीजेपी कैसे इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालेगी, बल्कि बीजेपी के सामने आज स्थिति ये है और चुनौती ये है कि बीजेपी अपने आप को बचाएगी कैसे। क्या बीजेपी की हालत उनको ये पता चल रहा है कि हम 272 तो नहीं बल्कि 272 के भी और नीचे जा रहे हैं, और इसीलिए उन तमाम लोगों को कांग्रेस से अब इंपोर्ट करके लाया जा रहा है। नवीन जिंदल को आप ले आए, यही नवीन जिंदल जो कि आज उनका एक पुराना ट्वीट सुधीर चौधरी का लोग रीट्वीट कर रहे हैं 2015 का, जब नवीन जिंदल के बारे में सुधीर चौधरी जो है वो आरोप लगाते थे, क्योंकि उससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सुधीर चौधरी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के चक्कर में तिहाड़ जेल का चक्कर लगा करके आए थे, यही नवीन जिंदल के चक्कर में। लेकिन अब नवीन जिंदल आ गए हैं भाजपा के अंदर, तो सोचिए कल को जो है वो ऊपर से आदेश आ जाए कि नवीन जिंदल का इंटरव्यू सुधीर चौधरी करेंगे, क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके की हालत बन गई है। निश्चित तौर पर जो है वो देख करके कई बार हंसी आती है कि 400 पार वाली स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। 400 पार के लक्षण इस तरह से नहीं होते हैं। जिसकी अमीरी इस तरीके की हो, वोटों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, जिसकी अमीरी इस तरीके की हो 400 पार वाली, वो इस तरह की हरकतें तो नहीं करते हैं, वो इस तरह की बार्गेनिंग तो नहीं करते हैं कि सड़क पर खड़े होकर के मोल भाव किया जा रहा है, सड़क पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे सामान खरीदे जा रहे हैं जो सामान आपकी क्वालिटी को सूट नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी खरीदा जा रहा है। और ना केवल खरीदा जा रहा है बल्कि खरीदने के बाद में उनको शोकेस के अंदर रखा जा रहा है, उनको सबसे आगे बैठाया जा रहा है। तो ये स्थिति भाजपा के अंदर जो ये स्थिति है, ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा की स्थिति वो क्या है। और जिस तरीके का आज माहौल है, जिस तरीके की आज जो स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निपथ स्कीम का विरोध है, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को लेकर के सरकार बेनकाब हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 400 पार की बात शायद मोदी जी को पता है कि लोगों के गले नहीं उतर रही है, और इसीलिए कुछ न कुछ इस तरीके से अब लोगों के पास में पहुंचाया जाएगा, लोगों तक ये बताया जाएगा कि देखिए साहब, अब अगर कोई ला सकता है, कोई बचा सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर सब कुछ कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी को ऐसे ऐसे चेहरों की जरूरत क्यों पड़ गई। और मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज फिर कहूंगा, अगर आप अब जो नारा रैलियों के अंदर बोलेंगे, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी, और मुझे तो 100% लग रहा है कि नरेंद्र मोदी करेंगे, मेरठ के अंदर मैं आपको आज बोल रहा हूं, आज 24 तारीख है, 25 तारीख है, आज होली का दिन, आप याद रखिए, और अब मैं जिक्र करूंगा इस खबर का चुनाव के समय पर, नरेंद्र मोदी जी मेरठ के अंदर रैली करेंगे, अरुण गोविल के लिए रैली करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का रहेगा कि मोदी जी अरुण गोविल के लिए रैली कर रहे हैं या अरुण गोविल मोदी जी के लिए रैली कर रहे हैं। मोदी जी अरुण गोविल राम के लिए वोट मांगेंगे या वो राम बनकर के अरुण गोविल भाजपा के लिए मोदी के लिए वोट मांगेंगे, स्थिति इस बात को जो है वो अपने आप में बखान करेगी। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात जो मैंने कल भी कही और आगे भी मैं कहूंगा, आप राम को ले आए हैं, अच्छा संदेश जाएगा, एक सीट आपकी और जाएगी, सीता जी को भी ले आइए, सीता जी को भी ला करके उनको भी टिकट दे दीजिए। राम को आपने टिकट दे दी है तो सीता जी को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? या फिर वो जो एक विचारधारा है कि केवल जय श्री राम बोलना है, सिया राम बोलने में भी दिक्कत है, क्या वो विचारधारा आपके हाथ बांध रही है कि आप सीता जी का जिक्र भी नहीं कर पाएंगे? या फिर मंच पर सीता जी को भी प्रचार के लिए लाया जाएगा? क्या इतनी खराब हालत है? क्या इतनी खराब स्थिति है? और अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो क्या कहीं से भी ये जो इस वक्त में जो चीजें गढ़ी जा रही है, बुनी जा रही है, कोई इस बात को कह सकता है कि अरुण गोविल वो भाजपा के लिए ये काम किए थे जिस वजह से उनको टिकट मिलना चाहिए? कोई एक काम पिछले 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में जो उन्होंने बीजेपी के लिए किया हो? क्या मेरठ के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो अरुण गोविल का जहां
हासिल कर सकता था। और आपने अगर अरुण गोविल को उतारा ही है तो आप क्यों नहीं अयोध्या से उतार देते इनको? अयोध्या से उतारते आप, लेकिन अयोध्या में आपको मालूम है ना लल्लू सिंह, मैंने देखा उनको लल्लू सिंह को, अयोध्या में लल्लू सिंह का टिकट कटता ना तो लल्लू सिंह राम जी को भी सामने खड़े हो जाते, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि केवल नाम बदलने से और चीजें करने से चीजें नहीं होती हैं, ग्राउंड पर अगर आप मजबूती समीकरणों जो मजबूत जो समीकरण पैदा करने वाले नेता हैं उनको अगर दरकिनार करेंगे तो आपके समीकरण को बिगाड़ देंगे। और इसीलिए राम जी को जो है वो अयोध्या से नहीं बल्कि मेरठ से लड़ाया जा रहा है। और अब मेरठ का जो है वो पुराना पुराना पता नहीं क्या नरेंद्र मोदी निकाल करके लेकर के आएंगे, जब उस रैली में बोलेंगे तो बताया जाएगा कि यहां पर मेरठ की इस धरती पर राम जी ने ऐसे तैसे जैसे, आप इतने गुनाह भाग करके बता रहे हैं, सीधे सीधे अयोध्या उतारने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? अब भी बदल दीजिए, अभी कौन सा चुनाव हो गया है, लड़ा दीजिए लल्लू सिंह को कहीं और से और लड़ा दीजिए राम जी को अयोध्या से, अरुण गोविल को अयोध्या से लड़वा दीजिए। आप क्यों नहीं लड़वा पा रहे हैं अयोध्या से? अगर अरुण गोविल मेरठ में वोट खींच सकते हैं तो उधर भी वोट खींच सकते हैं, अगर यहां पर वोट हासिल कर सकते हैं तो उधर भी वोट हासिल कर सकते हैं। और यही बड़ी चीज है कि भाजपा के अंदर जो पैरासूट से ला करके एकदम कि जैसे पड़ोसी को भी पता नहीं है कि सुबह यहां पर क्या होने वाला है और रातों रात जो है वो वहां पर नया पोस्टर, नए होर्डिंग, नया नारा, और जिनके नाम पर आपने आपके कार्यकर्ताओं ने हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए, लाठियां खाई, सर फुड़वाए, कार्यकर्ता कैसे आंख मिलाएंगे, वो कार्यकर्ता कैसे जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे? तो ये कहानी जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को इस वक्त में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी एक एक सीट पर कुछ इस तरीके से जान फूंकने में लगे हुए हैं कि एक एक सीट जो है वो किसी न किसी तरीके से बच जाए। और सोचिए जरा, इस तरीके की जब स्थिति होती, कोई भी आप बताइए, इस तरीके की जब स्थिति होती है तो इसका मतलब यह है कि हालत टाइट है। भले ही आपको जो 400 पार का नारा दिया जा रहा हो, भले ही लोगों के अंदर परसेप्शन कुछ भी गढ़ा जा रहा हो, लेकिन जब इस तरीके की हालत है, जब इस तरीके की स्थिति है, तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि अंदर खाने उनको पता है, उनको पता है कि हालत 400 पार की नहीं है। अगर 400 पार की स्थिति नहीं होती तो बेहतर होता, अच्छा होता, आप अरुण गोविल जी को राज्यसभा भेजते, राज्यसभा भेजते, और आप अभी नहीं, आपके पास में मौका था, 10 साल की सरकार थी, आप अरुण गोविल जी को राज्यसभा भेजते और राज्यसभा भेज करके सौंपते उनको कोई अच्छा खासा मंत्रालय, और कोई मंत्रालय में सौंप करके जो है वो उनको बताते कि नहीं, आपको हमारे लिए वोट नहीं मांगना है, आपने देश के लिए जो किया सो कर दिया, अब आप केवल पद पर बैठ करके देश की सेवा कीजिए, आपको गली गली में घूमना नहीं है, आपको रैली रैली में घूमना नहीं है। आपको पता है मनमोहन सिंह जी कभी चुनाव नहीं लड़े, इंदिरा गांधी कांग्रेस के समय पर, सोनिया गांधी के समय पर मनमोहन सिंह चुनाव नहीं लड़े, मनमोहन सिंह राज्यसभा से जाते थे असम से। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह उस तरीके के नेता थे ही नहीं कि वो गली गली में घूम घूम करके वोट मांगे, उनको जो काम आता था वो काम वो करते थे। उनको काम आता था कि नरसिम्हा राव के समय पर जब भारत का सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी, उस वक्त में नरसिम्हा राव के समय पर देश को डूबने से बचाया, और जिस वक्त में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पर आ गई थी 2008 के अंदर, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उस वक्त में देश को बचाने का काम किया, मंदी की चपेट से देश को बाहर निकाला और मंदी को ही बाहर रख दिया। तो जिसको जो काम आता है उसको आप वो काम दीजिए ना, बजाय इसके कि आप उनको गली गली घूमवाए, उनसे रैलियों में वोट मंगवाने का काम करें। ये बताने के लिए काफी है कि आपकी स्थिति क्या है आज, आप आज किस तरीके से अरुण, ये कंगना रनौत की बात करिए आप,
कंगना रनौत का क्या काम है जो उनको टिकट मिलना चाहिए? अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, मंडी के अंदर, तो वो नहीं पूछेगा कि पिछले 10 साल से 8 साल से हमारे नेता ने या हमने सड़क पर लाठियां खाने का काम किया है, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं, हमने अपने सिर फुड़ाए हैं, हमने पानी की बौछारें अपनी छाती पर झेली हैं, और आप कंगना रनौत को ला करके हमारे सर पर बैठा दें। और कंगना रनौत, उनका एक बयान वायरल हो रहा है आज, उन्होंने कहा कि हम अपने काम से नहीं जीतेंगे, मोदी जी के नाम से जीतेंगे। तो मतलब ये क्या, जिनको दो लाइनें नहीं बोलनी आ रही है, जो दो लाइनें, एक ENI का पत्रकार था वहां पर, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी जिसमें वो हड़बड़ा गई हो, घबरा गई हो, बहुत सामान्य से ढंग में उनसे एक सवाल किया गया, एक ही पत्रकार वहां पर मौजूद था। और ऐसे लोगों से जब जो इंटरव्यू लेते होंगे तो उनको कितना सिखाया पढ़ाया जाता होगा पहले से, लेकिन वो बोल गई इस बात को। जो आदमी एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं, जो आदमी पहली प्रतिक्रिया के अंदर ही गलती कर दे रहे हैं, अब छोड़ दीजिए उनके ट्वीट वगैरह क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन ट्वीट लिखता है, कौन ट्वीट चलाता है, और आज ट्वीट की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। कांग्रेस की नेता फायरब्रांड चेहरा सुप्रिया सिंह ने फंस गई, आज माफी मांगनी पड़ गई उनको। दरअसल ये हुआ कि कंगना रनौत को जब मंडी से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, तो किसी ने जो है वो सुप्रिया सिनेत के नाम से एक पैरोडी अकाउंट बना रखा था, नकली अकाउंट बना रखा था, और उन्होंने एक लाइन लिख दी, भद्दी लाइन। उन्होंने कहा कि मंडी का भाव क्या चल रहा है, बहुत गंदी लाइन थी। और इसको किसी ने, जो सुप्रिया सिनेत की टीम है, उन्होंने उठा करके कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट अपलोड कर दिया। इसीलिए नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और कैसे आपकी एक गलती आपको सड़क पर ला सकती है। सुप्रिया सिनेत को ना केवल उस पोस्ट को तुरंत डिलीट करना पड़ा, और अब से कुछ देर पहले उन्होंने 1.5 मिनट की वीडियो जारी करके इस पर कहा है कि मैं कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, कभी इस तरीके से शब्दावली मेरी नहीं हो सकती है, मेरी विचारधारा कंगना रनौत से अलग है, मैं कंगना रनौत के खिलाफ लड़ती रहूंगी, लेकिन ये भाषा मेरी नहीं है। तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और नकल में भी अगर अकल नहीं लगाएंगे तो सड़क पर आ जाएंगे। और सुप्रिया सिनेत आज जो है वो एक वाकई जो है वो जिस तरीके से वो जो पोस्ट था, कैसे हो गया, आपकी टीम में कोई गलत है तो उसमें भी आपकी गलती है, जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही तय होगी, वो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे कि आप अपनी टीम में कोई लड़का रखे हुए हैं, या आपकी टीम में कोई जो हैंडलर हैं, जो आपके टीवी को ट्वीट को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या उनको इतना भी नहीं पता कि कौन से शब्द लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं? मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या कचरा बिकता है, सब कुछ उठा करके अपने घर थोड़ी न ले आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो राजनीति में एक एक पग पर पूरी पूरी तस्वीर को बयां कर देती हैं। बस जरूरत है तो उसको परखने की, बस जरूरत है तो उसको उन आंखों से देखने की जिससे आपको पूरी तस्वीर नजर में आए। बहरहाल आप बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी जो एक्सपेरिमेंट करने पर लगी हुई है, जो मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, वरुण गांधी जो लगातार युवाओं के मामले पर, अग्निवीर के मामले पर, बेरोजगारों के मामले पर, किसानों के मामले पर, लखीमपुर खीरी के मामले पर, हर मामले में सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ या सरकार को आंखें दिखाने का काम करते रहे, मुद्दों पर बोलते रहे, कभी बीजेपी एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन चुनाव आया तो टिकट काट दी। और आज उन लोगों को ला दिया गया है, उन लोगों को बैठा दिया गया है जो दो लाइनें ढंग से बोल नहीं पाएंगे। अरुण गोविल, मैंने कभी राजनीतिक तौर पर उनको नहीं सुना है, ना ही कभी उन्होंने शायद बोला होगा, और अरुण गोविल धर्म की, समाज की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरठ के बारे में वो क्या जानते हैं, मेरठ के बारे में उन्होंने कब जो है वो सार्वजनिक तौर पर कभी कोई आवाज उठाई है कि मेरठ से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, सवाल इस बात का है। या मेरठ के सहारे ये जितना भी जो बेल्ट है, ये मेरठ के आसपास की जो बेल्ट आप देखेंगे जिसमें जाटों का और मुसलमानों का एक जबरदस्त एका देखने को मिलता है, तो ऐसे में अगर मुस्लिम नहीं टूट रहे हैं तो कम से कम जाटों को तोड़ करके अपनी तरफ ले लिया जाए। और जाटों को वैसे भी कहा जाता है कि जो मथुरा के जो जाट हैं वो राधे राधे वाले जाट हैं, तो क्या उसी चीज को मथुरा से और मेरठ तक लेकर के जाने की जो पूरी ये कवायद है, इसीलिए जो है वो
अरुण गोविल को मेरठ से लड़ाया गया है, सवाल इस बात का है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप बताइए कि क्या भाजपा 400 पार की स्थिति में है, या भाजपा आज किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो, बस सीट जीतने पर भी उसका फोकस है, और क्या वाकई स्थिति फिर 400 पार की कही जाएगी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।